बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 10 साल का भ्रष्टाचार, 10 साल की बोरियत के अब हो गया इनका, या फिर बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि यही हमारा सही समय है, इसलिए अब यहाँ बदलाव होगा? हमारा सही समय हम तय नहीं कर सकते, जनता तय करती है। ये लोकतंत्र है, किसी के कहने से कोई वोट दे देगा ऐसा नहीं होता है। जनता बड़ी मैच्योर होती है, सही समय किस पार्टी का है वो जनता को तय करना है। परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूँ कि बंगाल का आज जो स्वरूप होना चाहिए था वो स्वरूप आज बंगाल का शायद नहीं है। बंगाल के स्वरूप को बदलना चाहिए, बंगाल के जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, बंगाल के अंदर मुक्त मन से सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यता का अनुसार जीने चाहिए, उनको त्यौहार अपने मनाने के लिए हाईकोर्ट में नहीं जाना पड़े, टोलबाजी बंद होनी चाहिए, गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और सभी डायमेंशन से बंगाल डेवलप होना चाहिए। आप बंगाल को वापस सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं, ममता बनर्जी कहते हैं कि ये बंगाल के बारे में जानते ही नहीं है, बंगाल की संस्कृति के बारे में इनको पता नहीं है, ये लोगों के नाम गलत लेते हैं, गलत मूर्तियों पर मालाएं चढ़ा देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ देते हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं आपके ऊपर? चलिए इनके आरोप है, मेरे कोई कार्यकर्ता जवाब देंगे इसका? आप नहीं देना चाहते इसमें से किसी पर जवाब? देखिए हर चीज़ का जवाब मैं नहीं दे सकता, मुझे भी मेरा लेवल बनाना होता है, भी मेंटेन करना होता है। लेकिन एक जवाब आपने देश की संसद में दिया जिसमें आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आप गुरुदेव की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। इसके पहले ममता दीदी ने यहाँ लगाया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। संसद ऐसी प्रक्रिया है, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत है, इसका रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए, इसके रिकॉर्ड पर झूठ आरोप नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड क्लियर किया है। इसके बाद में ना मैं इसको प्रिविलेज में ले गया हूँ, कहीं नहीं ले गए, बोल गए भाई, हमने रिकॉर्ड क्लियर कर दिया। इसके पहले ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया, उनका सुनकर ही वो सीधे अंदर बोल पड़े, तो ममता जी को हमने कोई जवाब नहीं दिया था, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनको लोग अब मानते नहीं है। लेकिन वहां आप संसद में जब खड़े हुए तो नेहरू जी और राजीव गांधी की फोटो भी निकाल के ले गए, ये तो स्वाभाविक, ये लोग बैठे थे। ये तो मैं इतना समझा रहा था कि इसको क्यों ऐसा लगता है कि नेता वहां बैठ सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता पहले बैठ चुके हैं, बाकी कोई पार्टी का तो बैठ नहीं सकता ना वहां। रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी में कौन बैठने की हिमाकत करेगा? इतना सम्मान है देश के लोगों को इनके प्रति कि कोई नहीं बैठेगा, मगर उनको क्यों लगा कि मैं बैठा? क्योंकि इनकी पार्टी के लोग बैठ चुके हैं।